हमारी आपसे विनती है कि आप हमारे YouTube चैनल वतन समाचार को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर प्रेस करके पाइए सबसे पहले अपडेट। सभी सम्मानित भाइयों जो मेरे साथ मंच पे बैठे हुए हैं और जो सामने हैं, प्यारी प्यारी बहनों, मैं समझती हूँ कि मेरा सौभाग्य है कि मैं आप लोगों के पास यहाँ आ रही हूँ और मुझे कुछ विचारों को पास सुनने का एक मौका मिला है। मैं इतना कह देना चाहती हूँ कि हिंदुस्तान शायद दुनिया में एक ही ऐसा देश है जिसे सब धर्म और सब किस्म के लोग बैठते हैं, रहते हैं और कोई किसी के साथ टेंशन नहीं होता है। अगर जो होता है तो उसमें कोई शिकायत ये होती है कि किसी ने जानबूझ के किया है। वैसे हम आपस में एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे से प्रेम भी करते हैं और मैं अपने परिवार के लिए तो ये कह सकती हूँ कि हमारे यहाँ शादियाँ भी बहुत सारी ऐसी हुई हैं जो एक धर्म और दूसरे धर्म को मिला देती हैं और बड़ी अच्छी तरह से चली हैं। तो ये एक देश एक ऐसा उदाहरण है जो सारी दुनिया के लिए है। यहाँ अगर जो कोई मुसलमान है या कोई हिंदू है या कोई सिख है या कोई ईसाई है, उन सब के जो जिनको देखा जाता है उन सब की इज्जत उतनी ही की जाती है जितने किसी एक उस समय मनुष्य की जो हम समझते हैं कि हमारे देश का है और इस देश के धर्म को का पालन करता है। सब धर्मों का जो पालन होता है यहाँ पर वो हम सब उसको पहचानते हैं, उसकी इज्जत करते हैं और अपनाते भी हैं। बोले कभी किसी से मिलते हैं तो हम लोग ये नहीं सोचते कि इसका धर्म क्या है या इसकी भाषा क्या है या इसका चलन क्या है, उसको प्यार करते हैं क्योंकि वो एक ऐसी शख्सियत है जो हमें प्यारी लगती है, जिसको हम प्यार करना चाहते हैं, जिसको हम अपना मानते हैं। तो ये जो आज आपने मीटिंग करी है जिसमें बहुत प्रसिद्ध भाई और बहन यहाँ बैठे हैं, एक दूसरे के विचार को सुनेंगे, कुछ सीख कर हम जाएंगे और ये एहसास कर कर जाएंगे कि हम एक हैं, रहे हैं एक, भविष्य में भी एक ही रहेंगे। हो सकता है कभी कभी हम में गलती हो जाती है लेकिन उसको सुधारने के लिए भी हमारे ही देश के सरकारें हैं और अगर जो कोई ऐसी सरकार आती है जो कभी कभार आती है जो भेदभाव करती है तो उसको हम अगली दफ़ा स्वीकारते नहीं है, उसको निकाल देते हैं। ये परंपरा हमारी रही है और यही परंपरा रहनी चाहिए। मैं तो प्रार्थना यही करती हूँ कि जो हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं वो हमेशा बना रहे। हम ये ना सोचें कि ये हिंदू है या मुसलमान है, हम ये सोचें कि ये एक इंसान है, अच्छा है या ना अच्छा है, बुरा है या सही है, ये हम बातें पर उसको जज करें और उसको अपनाएं। मैं इतना मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं आपके पास आ सकी। काश कि मैं और ज़्यादा समय यहाँ दे सकती लेकिन मैं बताना चाहूँगी कि बोझ हमारी पार्टी के ऊपर और हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा है। आने वाले चुनाव हैं, जब हो सकता है हिंदुस्तान की तस्वीर बदल जाए, हो सकता है कि ना बदले, तो उस पर हमें ध्यान देना है। और मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना यही करूँगी कि जो भी आप चुनाव में करें, जो भी आप चुने, वो भविष्य हिंदुस्तान के लिए अच्छे होनी चाहिए, सही होनी चाहिए और काबिल होनी चाहिए। इसी से आपका और मेरा हिंदुस्तान बनेगा, आपका और मेरा समाज बनेगा। इन शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और ये उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह से आपने यहाँ पर
एक मीटिंग बुलाई है जिसमें बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, उसमें और भी मीटिंग इस तरह की बनाई जाए, क्योंकि फिर हम एक दूसरे को पहचान पाते हैं और एक दूसरे के नज़दीक और भी ज़्यादा आ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।